हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है संस्कृत का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है संस्कृत भाषायां महत्वम। तो यहाँ पे कुछ संस्कृतांश दिए हुए हैं, संदर्भ दिया है और फिर उनका अनुवाद। तो मैं ये संस्कृतांश पढ़ के नहीं बताऊंगी, सिर्फ संदर्भ और अनुवाद पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायां महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, यानी कि इस पाठ से लिया गया है। और अनुवाद है: ये भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ तथा संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। ये थी फर्स्ट संस्कृतांश के अनुवाद, और अब मैं बताने जा रही हूँ सेकंड संस्कृतांश का अनुवाद। ये जितने भी संस्कृतांश के अनुवाद मैं यहाँ बताऊँगी, वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में तो काफ़ी सारे दे रखे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, ताकि पेपर के प्रिपरेशन कर सके आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड अनुवाद है: संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है, दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। तो ये थी दूसरे संस्कृतांश की हिंदी। अब देखते हैं थर्ड एंड लास्ट, ये लास्ट संस्कृतांश है इस चैप्टर का। तो आप इसे यहाँ अगर रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो मैं अब बताती हूँ इसका अनुवाद हिंदी में। अनुवाद: संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कलगुरु, कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी, भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, इसलिए यह ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो ये थी सेकंड चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट संस्कृतांश, जिन्हें कि आप लर्न कर सकते हैं, इनके पेपर में आने के कुछ चांसेस हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी थर्ड चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट संस्कृतांश। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।